तो भाई आज का अपना सफर हो रहा है दिल्ली से शुरू देहरादून के लिए, ठीक है बाय। तो भाई ये यूटीसी की वॉल्व है, लाइट वाइट इसमें कुछ काम नहीं कर रही है, एक तरफ की तो चल रही है और ये वाली नहीं चल रही, खत्म है भाई। तो भाई अपनी बस चली थी दिल्ली से 1 बजे और अभी यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है, 3 बज रहे हैं। और भाई यहाँ से अभी देहरादून है लगभग 160 किलोमीटर। तो भाई 5:30 बजे हम पहुंच गए थे देहरादून और हमें देहरादून से मसूरी की बस मिली 6 बजे और हम 8 बजे मसूरी पहुंच गए, ठीक है। तो भाई अब अपना होटल वगैरह ढूंढते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। भाई ये हमारा होटल है और ये हमारा रूम है। तो भाई देखो ये हमारा रूम है, ये 1 लीटर है और ये धीरज जब फोन चार्ज लगाने की तैयारी कर रहा है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, बाहर का व्यू देखो, ये है लोकेशन जो भी कुछ है। तो भाई हमारा ये टॉयलेट है देखो, यहाँ पे गीजर भी लगा हुआ है। तो भाई एक बार इसका जेट स्प्रे चेक कर लेते हैं, करो भाई। हल्का ही है भाई, बस ये छील देगा। अच्छा। One hour later. बर्फ के बीच में धीरज। ये 2 स्कूटी लिए हमने रेंट पे 900 रुपये में। अभी रास्ते में है, कैंपटी फॉल जा रहे हैं। चलो भाई कैंपटी फॉल में चलें। चलो ये तो कर दे पहले। अरे ये क्या हो रहा है? ये भाई खत्म स्कूटी मिली है बिल्कुल। ये इधर भी जुगाड़ है, इधर भी जुगाड़, ये भी टूटा पड़ा है। ये तो जुगाड़ है, कंपनी का जुगाड़ है। और ऐसे बोल रहा था नई स्कूटी है बिल्कुल। चल रहा है भाई।
तो अब हम कैम्प्टी फॉल से कंपनी बाग आ गए। ये वही कंपनी बाग है, देखो ये वही हॉन्टेड हाउस है। तो भाई ये पीछे है कंपनी गार्डन, बिल्कुल बकवास, और 25-25 रुपए की टिकट हो रहा है, कोई मतलब नहीं, एकदम बेकार पैसा वेस्ट। भाई हम तो आपको सलाह नहीं देते, आप आने कंपनी बाग की बहुत ही बकवास, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद। इससे ज्यादा जयपुर सिटी पार्क गए, वो सबसे अच्छा है। क्या स्कूटी, आगे ले रहा, आगे ले, बकवास स्कूटी एकदम। तो भाई आपको एक खास चीज और दिखाने जा रहा हूँ, इसका हॉर्न देखो एक। वाओ, वेरी डेंजरस। रेस्टोरेंट के लिए घूम रहे हैं तो कुछ धक्का मिल लिया था, मिलेगा तो आपको दिखाई दे। A few moments later, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं लाल टीबा, इसका 250 रुपये चार्ज है ऊपर जाने का बस, और जो कि इसमें कुछ भी नहीं है। ये लोगों को पागल बना रहे हैं और पार्किंग चार्ज और ले रहे हैं 100-100 रुपए पर व्हीकल। तो भाई ये टाबू है, लाल टाबू, कुछ भी लेना देना नहीं है, आके फिजूल खर्चा और कुछ भी नहीं, इससे बड़े अपने घर रहो। अच्छा ठीक है समरिया। भाई आके शुभम जा रहा है स्कूटी पे, ये और ये उसके पीछे एक पुलिस वाला बैठा है, शुभम को पकड़ लिया है उसने, पता नहीं क्या बात हो गई, नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी इसने, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई 5-1 मिनट, स्कूटी को थाने में ले जा रहे हैं, अब ये इनके पीछे पीछे जा रहे हैं हम पीछे थाने में। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई शाम के 7 बज चुके हैं और अब निकल रहे हैं माल रोड, लेट्स गो। ये भाई सामने पूरी देहरादून सिटी, ये है मसूरी का मॉल रोड, बढ़िया है, मजा आ रहा है, क्राउड भी अच्छा है। मॉल रोड पे क्रश भी काफी है। खाना पीना हो चुका है भाई, ये देखो ऊपर जबरदस्त सीन है। ये देखो फोग हो रही है, फोग कैसे चल रही है देखो भाई, ये मसूरी के माल रोड का नजारा है भाई, ये देखो ये कैसे चलती हुई हमें दिखाई दे रही है फोग, ये देखो ये भाई अपना होटल है।
भाई बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, जमीन में उतर चुके हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो भाई बारिश आ चुकी है बहुत तेज, ओले वाली बारिश हो रही है भाई। अभी थोड़ी देर पहले ओले भी गिरे थे। तो भाई ये देखो ओले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं, निकालना तो ओले की बारिश हो रही है। और भाई पूरे मसूरी की लाइट जा चुकी है, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। अंदर देख लो हमारे होटल की भी जा चुकी है ना, भारी ओले पड़ने के कारण मसूरी की लाइट काटी गई, पूरे पूरे मसूरी में अंधेरा ही अंधेरा। तो भाई रूम में आ चुके हैं, बार बारिश हो रही है और यहाँ अपना टाइम लैप्स चल रहा है। इधर अपने शुभम भाई आराम कर रहे हैं। कनेक्ट हो रहा। तो भाई 10:15 हो चुके हैं और अब भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, काफ़ी तेज बारिश आ रही है। भाई 11 बजने को हैं पर ये दोनों, एक ये और एक ये, सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी मेन्यू कार्ड हाथ में डिसाइड हो रहा है क्या मंगाया जाए, क्या लेना है भाई जल्दी बताओ। सुबह उठना भी है पर इसको भूख लग रही है जड़े। एक कुंभकर्ण ले लो जो लेना है खाते। भाई रात के 12:30 बज चुके हैं, अब सोने की तैयारी हो रही है, कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय।